गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जम्मू स्टाइल राजमा चावल और उसके साथ मैं बताने वाली हूँ अनारदाने की चटनी। जी हाँ, जम्मू में जो राजमा चावल है वो अनारदाने चटनी के साथ ही सर्व किया जाता है। तो ये रेसिपी थोड़ा राजमा से अलग है, तो आप ये रेसिपी एक बार घर पे ट्राई करके जरूर बताइएगा। और अगर आप जम्मू से हैं स्पेशली, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिए ताकि आपके राजमा चावल में बिल्कुल जम्मू वाला टेस्ट आए। तो फिर देरी किस बात की, चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो बचपन से मैंने राजमा की सब्जी तो बहुत बार खाई थी, पर राजमा चावल और वो भी अनारदाना चटनी के साथ, ये सबसे पहले मैंने जम्मू में ही खाया था। तो इसके साथ मेरी जम्मू की बहुत ही अच्छी प्यारी यादें जुड़ी हुई है। तो ये जो राजमा है इसमें बहुत ही अच्छा मसालों का कॉम्बिनेशन होता है और जो चावल है वो बहुत ही अच्छे खिले खिले होते हैं। और अनारदाना की खट्टी चटनी, ये देखिए आ गया ना मुँह में पानी। तो सबसे पहले आप ले लें 2 कटोरी राजमा। यहाँ पर मैंने ये छोटे लाल वाले राजमा यूज किए हैं। अगर आपको स्पेशली कश्मीरी जम्मू राजमा मिले तो आप वो यूज करिएगा। तो यहाँ मैंने इसे रात भर पानी में भिगाकर रख लिया है। अगर आपको ये जल्दी पकाना है तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगाकर रख सकते हैं। तो आप राजमा से पूरा पानी छानकर उसे एक कुकर में डाल लें और फिर उसमें आप मिला दीजिए 2 ग्लास पानी। याद रखिएगा कि आपको राजमा में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है इस वक्त। और फिर उसमें आप डाल दीजिए 2 तेज पत्ता और 1 चम्मच नमक। आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 से 3 सीटी तक अच्छे से प्रेशर कुक कर लें। तो ये राजमा चावल खाया था मैंने सबसे पहली बार पीरा में, जो कि जम्मू में है। तो जब आप जम्मू से श्रीनगर की ओर जाएं, तब ये पीरा आता है और वहाँ का राजमा चावल बहुत ही फेमस है। तो जम्मू की हसी वादियों में ही ये चावल और ये राजमा उगाया जाता है और इसी ढाबे में बैठ के हमने ये टेस्ट किया था। तो इस बात को 11 साल हो चुके हैं, पर मैंने ये पूरा ट्राई किया है कि वही राजमा चावल का टेस्ट मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आ जाते हैं अब नेहास किचन में। तो यहाँ कुकर की 3 सीटी हो चुकी है। कुकर का भाप आप अपने आप पूरा जाने दें। तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, हम कर लेते हैं उसमें डालने वाले मसाले की तैयारी। तो उसके लिए आप ले लें 2 मीडियम प्याज, 4 मीडियम टमाटर, 2 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ और 4 से 5 लहसुन की कलियां। तो प्याज को आप बारीक चॉप कर लें कुछ इस तरीके से। तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो उसमें आप ले लें 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च ताकि सब्जी में थोड़ा सा तीखापन और गर्माहट आ सके, और 1 बड़ी इलायची, इसको मैंने थोड़ा सा पहले कुट लिया है। इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा। तो ये सारे मसाले को हमको थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है मिक्सर में। तो आप चाहें तो इसे हाथ से भी कूट सकते हैं। तो मैंने इसे छोटे वाले मिक्सर जार में डालकर कुछ ऐसा दरदरा पीस लिया है। आप इसे एकदम फाइन पाउडर मत बनाएं। तो खड़े मसाले तो हो चुके, सूखे मसाले में आप ले लें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और उसके साथ ही आप ले लें 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, जिससे कि राजमा में बहुत ही अच्छा लाल कलर आएगा। अगर आपको तीखा बहुत पसंद है तो आप यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो कुकर से सारी स्टीम निकल चुकी है और जो राजमा है वो अच्छे से पक कर रेडी हो चुके हैं। राजमा को आपको उतना ही पकाना है कि आप जब उसे उंगली से दबाएं तो वो अच्छे से मैश हो जाए। तो ये राजमा से आप कुछ 1/2 कटोरी राजमा अलग से साइड में निकाल कर रख दें। और अब बारी आती है राजमा को तड़का लगाने के लिए। तो आप कढ़ाई को रखिए मीडियम फ्लेम में और उसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटी इलायची, खड़े मसाले जो हमने कूट के रखे थे, और वो बिल्कुल भी जले ना इसलिए आप उसमें डाल दीजिए तुरंत कटे हुए प्याज। तो खड़े मसाले को जलने से बचाने के लिए प्याज को कट करके आप साइड में ही रखिएगा ताकि इसे डालने में देरी बिल्कुल ना हो। तो अब हमें प्याज को अच्छे से पकाना है ताकि उसमें सारे खड़े मसाले का अच्छे से फ्लेवर भी आ जाए और सब्जी में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो जब तक प्याज अच्छे से फ्राई हो जा रहा है, चलिए हम कर लेते हैं इसके साथ खाने वाले चावल की तैयारी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बासमती चावल। तो राजमा के साथ लंबे वाले चावल खाए जाते हैं, तो आप अपनी पसंद का कोई भी बासमती चावल ले लें। तो चावल को आप 2 बार पानी से अच्छा धो लें और फिर उसमें 1 ग्लास पानी डालकर आप इसे 30 मिनट के लिए भिगा कर रख दें। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से ब्राउन तो हो चुके हैं पर अच्छे से गले नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इससे होगा ये कि प्याज जलेंगे नहीं
और इसे गलने के लिए, पकने के लिए और समय भी मिल जाएगा। तो अब प्याज अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं, तो जो अदरक और लहसुन हमने निकाल के रखा था उसका मैंने अच्छा एक पेस्ट बना लिया है। तो यही समय है कि आप इसमें डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चा स्मेल है वो ना चला जाए। तो अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई होने में सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे। तो अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए टमाटर का पेस्ट। जो 4 टमाटर हमने निकाले थे उसका मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है मिक्सर में। तो टमाटर हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो टमाटर को जल्दी से पकाने के लिए आप इसमें डाल दीजिए नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, बट याद रखिएगा कि राजमा को पकाते वक्त भी हमने नमक डाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नमक डालिएगा। तो जो टमाटर है वो अच्छे से पक गए हैं, इसमें से तेल भी अलग हो रहा है। तो इसमें आप डाल दीजिए हमारे रेडी किए हुए सूखे मसाले। तो सूखे मसाले डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। और मसाले फ्राई होने के बाद आप उसमें डाल दीजिए जो आधा कटोरी राजमा हमने निकाल के रखा था, उसे मैंने हाथ से ही मैश करके इसमें मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो वो राजमा को आप मिक्सर में भी मैश कर सकते हैं। तो आप इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो राजमा इसमें मैंने मैश करके मसल कर इसलिए ही डाला है ताकि ग्रेवी में जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आए राजमा में। तो आप ये राजमा बनाते वक्त जरूर डालिएगा। और उसके बाद आप डाल दें इसमें उबले हुए राजमा। तो राजमा डालने के बाद आप इसे हल्के हाथों से ही मिक्स कर लें मसालों के साथ अच्छे से। और जब राजमा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप डाल दीजिए जिस पानी में हमने राजमा उबाला था वो पानी। तो आप ये पानी ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसमें ही राजमा का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और फिर आपको इसे हल्के हाथों से ही मिक्स कर लेना है। तो चावल के साथ राजमा खाने के लिए थोड़ा सा उसे पतला बनाया जाता है, तो उसके लिए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 ग्लास पानी, या फिर आपकी ज़रूरत से आपको जितना पतला राजमा चाहिए, पर आप यहाँ पर गर्म पानी ही डालिएगा। और जब तक राजमा उबल रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं चावल की तैयारी। तो यहाँ चावल अच्छे से भीग कर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ ये बासमती चावल है इसलिए यहाँ पर हम 1.5 गुना पानी ही यूज़ करेंगे। मतलब मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया था तो मैंने 1.5 कप इसमें पानी डाला है। और इसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच नमक या आपके स्वाद के अनुसार। तो चावल में पानी की क्वांटिटी आपके चावल पर भी डिपेंड करती है। और फिर आप इस पे डाल दीजिए 1 चम्मच घी ताकि जो चावल है वो बहुत अच्छे से खिले खिले बने। और फिर उसमें आप डाल दीजिए 1/4 नींबू का रस ताकि जो राइस है, जो चावल है, वो बहुत अच्छा सफ़ेद दिखे। और अब आप इसे मीडियम फ्लेम में पका लें। तो 10 मिनट राजमा उबलने के बाद जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए आप गैस को कर दीजिए ऑफ और उसमें डाल दीजिए कटे हुए धनिया पत्ती। जी नहीं, अभी राजमा की रेसिपी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मेन सीक्रेट है इसमें डाला हुआ तड़का। तो आप घी गरम कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए 2 से 3 चुटकी हींग। तो घी डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा क्योंकि जो जम्मू का राजमा चावल होता है उसमें बहुत ज़्यादा घी पड़ता है। तो तड़का डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पूरे राजमा में तड़के का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और चलिए देखते हैं कि चावल कितने पक चुके हैं। तो चावल अभी पूरी तरीके से नहीं पके हैं, इसमें नीचे अभी तक पानी है। आप इसे हल्के हाथों से बस एक बार चलाएं और फिर से ढककर इसे पकने दें। तो बासमती चावल पकाते वक्त आप उसे बहुत ज़्यादा चलाइएगा मत चम्मच से, नहीं तो वो टूट जाते हैं। तो अभी मैंने चेक किया है और ये चावल अच्छे से पक चुके हैं। तो चावल पके हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए आप चम्मच में एक चावल ऐसा उठाएं और उसे प्रेस करके देखें। अगर वो अच्छे से प्रेस हो जा रहे हैं, मैश हो जा रहे हैं, इसका मतलब चावल अच्छे से पक चुके हैं। तो चावल में जीरे का तड़का लगाने के पहले आप चावल को ठंडा कर लें। तो आप एक बड़ी थाली में चावल को कुछ इस तरीके से फैला लें। और जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं हम कर लेते हैं इसके साथ खाने वाली अनारदाने चटनी की तैयारी। तो अनारदाने चटनी के लिए सबसे पहले आप ले लें 1/2 कप अनारदाना। ये सूखे अनारदाना है जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और उसके साथ ही आप ले लें मिंट लीव्स। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मिंट लीव्स ले लिया है। खाने का नमक, काला नमक, 1 मीडियम प्याज,
आधा नींबू का रस, 2 हरी मिर्ची और 3 लहसुन की कलियां। तो हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है। तो पहले आप मिक्सर में डाल दीजिए अनारदाने, हरी मिर्च, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लहसुन की कलियां, मिंट लीव्स। तो हम इन चीजों को पहले मिक्सर में पीस लेंगे और उसके बाद प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर ये पीस कर रेडी हो चुका है। उसके बाद आप डाल दें नींबू का रस। तो अगर अनारदाना जो आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप नींबू का रस थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप डाल दें उसमें प्याज और नमक। तो इसे मिक्सर में अच्छे से पीसने के लिए आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और फिर आप इसका दरदरा सा चटनी बना लें। तो अनारदाने की जो चटनी होती है वो बहुत स्मूथ पेस्ट नहीं होता है, हल्का सा वो दरदरा होता है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अनारदाने की चटनी जम्मू में इसलिए सर्व की जाती है क्योंकि ये राजमा को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो अनारदाने की चटनी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब बारी आती है चावल को जीरा फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच घी और पैन को रखा है मैंने मीडियम फ्लेम में। आप यहाँ तेल से भी तड़का लगा सकते हैं बट घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और उसमें फिर आप डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा। तो जीरा जब चटकने लगे मतलब पॉपअप होने लगे आप उसमें डाल दीजिए ठंडे किए हुए चावल। तो पैन में पहले आप घी अच्छे से फैला लें ताकि जो चावल है वो उसमें चिपके ना। तो यहाँ आप थोड़ा जल्दी करिएगा ताकि जो जीरा है वो जलना स्टार्ट ना हो। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चावल डाल के पहले उसे जीरा के साथ मिक्स कर लिया है ताकि जो जीरा है वो जलने से बच जाए। उसके बाद आप डाल दें बाकी के बचे हुए चावल। तो चावल डालकर आप इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। गर्मा गर्म राजमा चावल आप अनारदाना चटनी के साथ सर्व करें और इसका लुफ्त उठाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।